भाई साउथ इंडस्ट्री ने तो ठान ही ली है कि अब ये तो नहीं रुकने वाले। मार्टिन मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे देखकर आप भी शॉक्ड हुए होंगे। ट्रेलर में इतने डेंजरस सीन है कि भाई क्या ही बताऊं कितने डेंजरस सीन है। वेट, ट्रेलर में बहुत सी कमियां हैं। एक स्टैंडर्ड सेट करने में मार्टिन का ट्रेलर पीछे रह जाता है, जैसे डायलॉग्स इम्प्रॉपर हैं। ट्रेलर के स्टार्टिंग में एक डायलॉग है, तो मरने दो, वो इंडियन हमारी पाकिस्तान की जमीन पर आकर क्राइम करता है। अब ये डायलॉग बोलने का अंदाज ऐसा है जैसे रोड पर चलते फिरते दो बंदे लड़ते हैं। हालांकि ट्रेलर में बहुत कुछ अच्छा भी है, बट पहले कमियों पर बात कर लेते हैं। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ डायलॉग पर। आगे डायलॉग है, उसको यहाँ पाकिस्तान आना ही क्राइम है। उसको यहाँ पाकिस्तान आना भाई थोड़ा डायलॉग तो सही से बोल लेते, उसको की जगह उसका यहाँ पाकिस्तान आना ही क्राइम है, ये थोड़ा बेटर नहीं है? और डायलॉग ऐसे होने चाहिए जो मूवी में जान डाल दे, ना कि मूवी की मेहनत को ही बिगाड़ दे। ट्रेलर के आगे के डायलॉग्स भी आप सुनेंगे तो वो भी प्रॉपर सेट नहीं होते हैं, लगता है कोई बिना प्रिपरेशन के डायलॉग्स बोल रहा है। तो मरने दो, वो इंडियन हमारी पाकिस्तान की जमीन पे आके क्राइम करता है। बट अगर बात की जाए सिनेमेटोग्राफी एंड VFX की तो मूवी इसमें रेस जीतने वाली है, क्योंकि ट्रेलर का हर एक सीन वाकई अमेजिंग है। और इसके लिए डायरेक्टर की तारीफ तो बनती है बॉस, क्योंकि डायरेक्टर ने पहले बैठकर पुष्पा, KGF, विक्रम जैसी मूवीज देखी होगी और इन मूवीज से इंस्पायर होकर ऐसे डेंजरस एक्शन सीन्स मूवी में डाले होंगे जिनमें कार्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, मिसाइल किसी को भी नहीं छोड़ा है। एंड ध्रुव सर्जा को ऐसे प्रेजेंट किया है कि ये एक्टर कम और विलन ज्यादा लग रहे हैं और इतने खूंखार दिखाई दे रहे हैं कि मूवी में पाकिस्तान की वाट लगाने वाले हैं। एंड एक सीन तो मुझे ट्रेलर में लिटरली काफी अमेजिंग लगा है, जब ध्रुव सिगार फूंकते हुए टैंकर पर चलते हैं और टैंकर का मजल सुलगता है जैसे रोकी भाई की मशीन गन का बैरल सुलगा था। लेट मी टेल यू कि मार्टिन एक कन्नड़ा मूवी है जिसमें रेगिस्तान में बड़े भारी भरकम व्हीकल्स, खतरनाक स्टंट सीन्स एंड कार चेस सीन्स दिखाए गए हैं। मूवी की शूटिंग काफी पावरफुल तरीके से की गई है। मूवी में आप कैमरा एंगल्स को देख सकते हैं किस तरीके से इसे फिल्माया गया है। एंड कार चेस सीन्स हॉलीवुड स्टाइल में शूट किए गए हैं। ये एक हैवी VFX मूवी है जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब इस लेवल की शूटिंग, ऐसे हैवी VFX वो भी केवल 100 करोड़ में शूट करना, सो द डायरेक्टर हैज डन ए ग्रेट जॉब फॉर दिस। केवल मूवी के डायलॉग्स और प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएं तो भाई लिटरली मूवी फाड़ कर रख देगी। कन्नड़ा इंडस्ट्री में केवल 100 करोड़ में ऐसी मूवी बना देना वाकई काबिले तारीफ है, बिकॉज मार्टिन मूवी जैसा ट्रेलर शायद ही इससे पहले कभी देखा गया है। ट्रेलर में जब ध्रुव सर्जा की एंट्री होती है तो लिटरली हीरो वाली वाइफ्स की जगह एक दमदार खूंखार क्रिमिनल जैसा फील आता है। मतलब मूवी में ध्रुव हीरो कम और विलन ज्यादा लगते हैं, एंड देखा जाए तो वो विलन है भी पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में ये मूवी पक्का बैन होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को ट्रेलर में जिस तरीके से ध्रुव ने धोया है उसका पूरा मजा तो मूवी में ही आने वाला है। तो आप मूवी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। Yeah.